नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डीएनएस में। डेली न्यूज स्कैन आज लेकर के आया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। जैसे कि थंबनेल से भी आप लोग जान रहे हैं कि आज ये जो वीडियो है पूर्णतः बीएसएससी 10+2 के मुख्य परीक्षा संबंधी जानकारियों पर आधारित है। तो आइए हम लोग जानेंगे इसमें कि क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए इस संदर्भ में, इसका सिलेबस क्या होगा दोस्तों, फिर उसके बाद इसका पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है, सिलेबस पैटर्न, एंड देन आफ्टर इसमें आपका रेट ऑफ सिलेक्शंस कितना होता है अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो आइए दोस्तों, विदाउट टाइम को गवाए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बिहार इंटरमीडिएट 10+2 लेवल की मुख्य परीक्षा संबंधित जो जानकारियाँ हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। इसका जो सिलेबस जो है और जो क्या नया सिलेबस आया है उसके बारे में जानेंगे कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि सिलेबस में कुछ चेंजिंग होने वाले हैं, नए तरीके से होंगे, जी नहीं। देखिए इनका जो पैटर्न होगा एकदम से बहुविकल्पीय है जैसा कि पहले था, और ये प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही होगा जैसा कि आप लोगों ने पीटी में दिया था, एकदम सेम एज पीटी इसका जो पैटर्न है एकदम से दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है कि आइए आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या इसमें है जो न्यू चीज़ें हो सकती है उसके वनस्पत। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्नों की संख्या है वो एकदम से 150 का 150 ही है, और जो कि 600 अंकों का होगा, यानी एक प्रश्न जो है कि 4 मार्क्स का है, यानी 15×64 यानी 600 मार्क्स का ये हो गया। क्या ये जो आपका है सो एग्जामिनेशन हो गया। अगर आप रॉन्ग करते हैं एक क्वेश्चन भी तो इसके लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी आपकी। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों प्रश्नों का स्तर ये तो नो डाउट कि सिलेबस जो है पुराना सिलेबस ही है, इसमें ऐसी कोई खास चेंजिंग नहीं की गई है, ठीक, सिलेबस पुराना ही है। लेकिन स्तर पहले से क्या होगा, पहले की तुलना में ऊंचा होगा। क्यों ऊंचा होगा, इसलिए कि पहले जो दिया था आपने पीटी दिया था, अभी जो आप दे रहे हैं वो मेंस दे रहे हैं दोस्तों, और मेंस में स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है सिलेक्टेड है वो काफ़ी अच्छे खासे हैं, लगभग 64,000 के आसपास में रिज़ल्ट है, 63,739 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि चयन जो होगा ना दोस्तों चयन ओनली 13,000 लोगों का होगा, जैसे कटअप मार्क्स क्या हो सकते हैं आपके बढ़ सकते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। इसीलिए कटअप मार्क्स के हाइक करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन हुआ है टोटली ओनली स्टूडेंट्स 5 टाइम्स जो है सो स्टूडेंट्स लोगों का जो सिलेक्शन इसमें किया गया है, तब समझे कि 5 गुने स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन इसमें है। तो आगे इसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है, तो इसके लिए जो है सो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, कितनी ज़्यादा मारपीट होगी, क्योंकि जो 64,000 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से ओनली 13,000 ही सिलेक्ट होंगे, तो स्वाभाविक है फाइनली जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ आपका बढ़ के ही रहेगा, ठीक है। और ये जो है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन जो होगा दोस्तों इसी माह के अंत तक है सो किया जाएगा, ठीक है, फरवरी के लास्ट से शुरू हो जाएगा और संभवतः है सो मार्च तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा का जो है तिथि है सो जैसे कि प्रभात खबर न्यूज़ में भी आया था कि जून माह में हो सकती है, नो डाउट दोस्तों कि ये जून माह में ही होगी, क्योंकि एक्चुअली इधर होने का ऐसा कारण इसलिए है जून माह में कि ये 6 साल पुरानी जो है सो ये वैकेंसी है, 6 साल के बाद है सो क्लियर हो रहा है, तो इसमें एक्चुअली सरकार भी है सो चुनाव का टाइम है, तो इसलिए जून में करवा करके इसको जल्दी से जल्दी है सो इसका रिजल्ट का जो प्रकाशन है इस वर्ष के अंत तक कर दिए जाने का जो है सो कोशिश रहेगा सरकार का, ताकि जो अभी इलेक्शन भी है ताकि इसका फ़ायदा कुछ मिल सके। देखिए दोस्तों कि इसमें ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहूँगा कि इसमें इम्फेसिस देने की क्या बातें हैं दोस्तों, तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ये जो हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है 150 क्वेश्चंस का है, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं 150 का है, यानी जो गेम जो है ना ये टोटली है सो हमारा क्या है 50-50-50 का है, ठीक है, ये 50-50-50 का है, ठीक है, ये तो 50 होंगे दोस्तों, क्या चीज़ हो गया आपका, मान लीजिए कि रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए 50, ठीक है, ओके 50 क्वेश्चंस रीजनिंग से आपके हो गए, ये जो 50 क्वेश्चंस इधर हो गए दोस्तों इसमें आपके आ जाएंगे टोटली जीएस सेक्शंस आ जाएंगे आपको, ठीक, और ये जो 50 क्वेश्चंस इधर जो हुए इसमें क्या हो जाएंगे आपके
साइंस हो जाएंगे, जनरल साइंस हो जाएंगे एंड प्लस इसमें मैथमेटिक्स रहेंगे, यानी 25 क्वेश्चंस ऑफ ईच होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होगा सो सिलेबस है, और कहने का मतलब जो है इम्फेसिस जो देने की इसमें ज़रूरत है दोस्तों, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग जो होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम मैथ में और रीजनिंग में जो क्वेश्चन बनाएंगे एकदम से वही अगर सही होगा तो उसका मार्क्स आएगा। तो इसलिए ये दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जो कि इसमें काफ़ी इम्फेसिस देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इस पर नो डाउट इम्फेसिस से इसके लिए जो है सो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या पढ़े, कहाँ कैसे तैयारी करें। इसमें मैं ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता हूँ इन चीज़ों पे। ये तो हो गए दोस्तों, उसके बाद जो है कि आप फिर उसके बाद जीएस आ गए, जीएस सेक्शन पे दें दोस्तों, करंट अफेयर्स भी देखते रहें, दो चार करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस रहेंगे, हो सकता है पंचायती राज से भी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सिलेबस का पैटर्न है जिसको फॉलो करना है। साइंस वगैरह वो सब सब तो जीएस में यहाँ ही आ ही जाता है। तो इस तरीके से जो मेनली इम्फेसिस है मैथमेटिक्स जो है होंगे 25 मार्क्स के, और रीजनिंग जो है 50, यानी 75 मार्क्स इधर आपके कवर हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बेहद ही अहम रोल अदा करेगा इसमें। ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस करें इन चीज़ों पे, और काफ़ी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले कि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जो जैसे ये प्रभात खबर में आया था कि सिलेबस पर पैटर्न पुराना है लेकिन प्रश्न होंगे करे, इसलिए कि इसमें दिखाया कहा गया है कि लगभग 63,000 64,000 है सो स्टूडेंट्स पास किए गए हैं। इसमें कुछ खासा चीज़ नहीं है, वही है जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, इसमें 30,000 का ही चयन होना है, इसलिए कट ऑफ वो हाइक होने के चांसेस है दोस्तों। बस इतनी ही छोटी सी जानकारी देनी थी, और आई होप कि आप लोगों को सिलेबस पैटर्न और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या रहेंगे कैसे रहेंगे उन सारे चीज़ों की जानकारी आपको मिल गई होगी। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, जिसमें जानेंगे कुछ नई बातें, ठीक है, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, मैं लेकर के आऊँगा जल्दी एक नया वीडियो। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर।